दोस्तों, अगर अपने प्यारे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आत्मनिर्भर बनना है तो कई क्षेत्रों में लगातार ध्यान देना होगा, और भारत दे भी रहा है। जैसे कि भारत में नए नए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया जा रहा है, ट्रांजिस्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, सेमीकंडक्टर चिप्स, कैपेसिटर, फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कई चीज आते हैं, जिसका विशेषकर यूज मोबाइल में, लैपटॉप में और भी कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बनाने में किया जाता है। अभी की बड़ी खबर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होने वाला कैपेसिटर, भारत में कैपेसिटर तो बनाया जाता था लेकिन सुपर कैपेसिटर की नहीं थी। लेकिन अभी ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट केरला के कनूर में स्टेब्लिश किया गया है। 18 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर हर दिन 2100 कैपेसिटर का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी फैक्ट्री की बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर भारत सुपर कैपेसिटर में आत्मनिर्भर बन जाता है तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा, सुपर कैपेसिटर का वर्क क्या है, कैसे ये नॉर्मल बैटरी से डिफरेंट है। नाउ ऑल अबाउट सुपर कैपेसिटर। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सुपर कैपेसिटर के फैक्ट्री को बनाने में हमारे देश के वैज्ञानिकों का, इसरो का बहुत बड़ा हाथ है। जहां एक और चाइना, ताइवान, कोरिया ये मॉडल टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर भारत इन देशों को टक्कर देने के लिए लगातार नए नए फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि उन देशों से डिपेंडेंसी को कम किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होने वाले ज्यादातर चीजों को भारत में बनाया जा सके। अगर काफी बड़े मात्रा में सुपर कैपेसिटर भारत में बनता है तो हम अदर देशों से पावर इलेक्ट्रॉनिक के इम्पोर्ट को कम कर देंगे, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक के मामले में भारत अभी भी दूसरे देशों पर डिपेंड करता है। तो चूंकि अब भारत में सुपर कैपेसिटर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत जल्द हम इसके इंपोर्ट को कम कर देंगे, और हो सकता है कि आगे जाकर के भारत इसके इंपोर्ट को बंद भी कर दे, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद ये फैक्ट्री हर दिन 2100 कैपेसिटर को बनाएगी। भारतीय वैज्ञानिकों, इसरो के वजह से भारत को अब वो टेक्नोलॉजी मिल चुका है जिसके लिए भारत को डेवलप कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता था। इस तरह के सुपर कैपेसिटर को वेरिएबल डिवाइस में यूज तो किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा स्टेशनरी पावर बैकअप सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि टेलीकॉम टावर, जहाँ पर अगर बिजली चली जाती है तो वहाँ पर हमें डीजल और पेट्रोल का यूज करना पड़ता है। लेकिन सुपर कैपेसिटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये किसी भी बैटरी के मुकाबले अपने एनर्जी को बहुत जल्दी रिलीज कर देते हैं, और बताया जाता है कि जिस दिन हमारे वैज्ञानिक कैपेसिटर के इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को अगर कंट्रोल कर लेंगे, तो उस दिन लिथियम बैटरी का यूज भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का जो एज होता है ये नॉर्मल बैटरी से कई गुना ज्यादा होता है। क्योंकि जो नॉर्मल बैटरी होते हैं उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और समय के साथ ये केमिकल खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी की जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा, चाहे वो किसी गाड़ी का बैटरी हो या फिर घर में इन्वर्टर बैटरी जो यूज होता है, उसे भी हमें 3-4 साल में बदलना पड़ता है। 4 साल बाद वो बैटरी काम करना बंद कर देता है। लेकिन कैपेसिटर के दुनिया में ऐसा नहीं होता है। वैसे तो बहुत तरह के कैपेसिटर होते हैं, लेकिन ये सुपर कैपेसिटर है जिसकी उम्र काफी लंबी होती है। नॉर्मली अभी कैपेसिटर का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर तुरंत अचानक से हाई एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने गाड़ी को किसी पहाड़ी इलाका में चला रहे हैं और आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उस टाइम ये सुपर कैपेसिटर एक एडिशनल पावर देते हैं, और एडिशनल पावर मिलने से आपका गाड़ी पहाड़ों में भी अच्छा से वर्क कर जाता है। इसके अलावा इसका कई यूज है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो सैटेलाइट है वो अगर पावर जनरेट करना बंद कर देते हैं तो वहाँ पर भी हम सुपर कैपेसिटर के पावर को यूज कर पाएंगे। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल लैंग्वेज में आप अपने घर में फैन को देखे होंगे, और फैन में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, तो वो छोटा सा कैपेसिटर आपके फैन की स्पीड को बढ़ा देता है। और मैं जिस कैपेसिटर का बात कर रहा हूँ वो है सुपर कैपेसिटर, जिसका यूज हाई लेवल पर किया जाता है। और अब तो सुपर कैपेसिटर का यूज दुनिया की जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी है वो सैटेलाइट में बैटरी के जगह पर अब सुपर कैपेसिटर का यूज करना चाहती है, ताकि सैटेलाइट में जो सोलर पैनल होते हैं अगर वो बिजली उत्पन्न करने में असक्षम हो जाते हैं तो वहाँ पर अब तक बैटरी का यूज किया जाता था, लेकिन अब सुपर कैपेसिटर का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये बैटरी से लाख गुना बेहतर है। और बताया जा रहा है कि जिस दिन वैज्ञानिक सैटेलाइट में बैटरी के जगह पर सुपर कैपेसिटर का यूज करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा जो सैटेलाइट है उसका उम्र और ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अभी सुपर कैपेसिटर का यूज इलेक्ट्रिक कार्स के अलावा विंड टर्बाइन, ब्रेकिंग सिस्टम, MP3 प्लेयर और कई बड़े बड़े मशीनों में भी किया जाता है, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है। आई होप कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि सुपर कैपेसिटर कितना इम्पोर्टेंट है, ये बैटरी से कितना डिफरेंट है, और इसी का प्लांट भारत में पहला प्लांट बन चुका है और हर दिन 2100 कैपेसिटर का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये जो खबर है ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है कि हम सुपर कैपेसिटर के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। आशा करता हूँ गाइस कि आपको सुपर कैपेसिटर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा कि भारत सुपर कैपेसिटर के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।